नमस्कार, नॉलेज पॉइंट में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको 11 ऐसे जरूरी सवाल और उसके जवाब बताएंगे जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस, दारोगा समेत एसएससी जैसे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। ये सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। तो आइए देखते हैं आप कितने सवालों का सही सही जवाब दे पाते हैं। सवाल नंबर एक, बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? ए 12, बी 15, सी 16, डी 18। और इसका सही जवाब सी 16 है। सवाल नंबर दो, किस राजा ने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था? ए उदयीन, बी अशोक, सी कनिष्क, डी बिंबिसार। और इसका सही जवाब ए उदयीन है। सवाल नंबर तीन, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? ए विनोबा भावे, बी सहजानंद सरस्वती, सी कर्पूरी ठाकुर, डी इनमें से कोई नहीं। और इसका सही जवाब बी सहजानंद सरस्वती है। सवाल नंबर चार, इनमें से कौन चोल राजाओं की राजधानी हुआ करती थी? ए कांची, बी तंजौर, सी मदुरई, डी विजयनगर। और इसका सही जवाब बी तंजौर है। सवाल नंबर पाँच, केसरी के संपादक कौन थे? ए महात्मा गांधी, बी लाला लाजपत राय, सी बाल गंगाधर तिलक, डी भीमराव अंबेडकर। और इसका सही जवाब सी बाल गंगाधर तिलक है। सवाल नंबर छह, भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? ए श्रवण बेलगोला, बी कुशीनगर, सी लुम्बिनी, डी पावापुरी। और इसका सही जवाब डी पावापुरी है। सवाल नंबर सात, इनमें से किसका नाम कार्बोलिक अम्ल है? ए फिनॉल, बी इथेनॉल, सी एसिटिक अम्ल, डी ऑक्सोलिक अम्ल। और इसका सही जवाब है ए फिनॉल। सवाल नंबर आठ, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है? ए थायराइड, बी यकृत, सी किडनी, डी अग्न्याशय। और इसका सही जवाब है बी यकृत। सवाल नंबर नौ, हाल में किस अंतरिक्ष कंपनी ने इंस्पिरेशन 4 मिशन को लॉन्च किया है? ए नासा, बी इसरो, सी स्पेसएक्स, डी जाक्सा। और इसका सही जवाब है सी स्पेसएक्स। सवाल नंबर दस, हाल में पंजाब के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए नवजोत सिंह सिद्धू, बी लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह, सी कैप्टन अमरिंदर सिंह, डी चरणजीत सिंह चन्नी। और इसका सही जवाब है डी चरणजीत सिंह चन्नी। सवाल नंबर 11, भारत में कौन सी नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है? ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी माही नदी, डी तापी नदी। और इसका सही जवाब है सी माही नदी। पिछले सेट में हमारे जिन दर्शकों ने सबसे ज्यादा सही जवाब दिए उनके नाम इस स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही हमारे इस सेट में आप कितने सवालों के जवाब दे सके हैं आप हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं। सबसे ज्यादा सही जवाब देने वालों का नाम हम अगले वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।